गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक देखेंगे उसका नाम है यूरोनॉर्म्स। यूरोनॉर्म्स को इंडिया में भरत नॉर्म्स के भी नाम से जाना जाता है। यूरोनॉर्म्स क्या है स्टूडेंट? तो यूरोनॉर्म्स यूरोप कंट्री में, यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर व्हीकल पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर के कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। यूरोप में ये नॉर्म्स बने जिसके कारण इसका नाम यूरोनॉर्म्स रखा गया। शुरुआती टाइम में जब व्हीकल्स रोड्स पे चलते थे तो उनसे होने वाले पॉल्यूशन को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था क्योंकि गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी। दूसरा, जो इंजन था उसकी डिज़ाइन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल को कंसिडर कर सके। नया नया जब इंजन बना था स्टूडेंट, तो फ्यूल के तौर पे कोल डस्ट का यूज़ किया जाता था। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं इस एग्ज़ाम्पल से कि जब नया नया आईसी इंजन बना था तो उसने अब तक जो है कितना इम्प्रूवमेंट किया है अपने डिज़ाइन में, अपने फंक्शन में, उसमें जो यूज़ होने वाले फ्यूल हैं उसमें कितने चेंजेस आए हैं। तो उस समय जब ये इंजन्स बने थे तो इससे होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल करना जो है वो असंभव के बराबर था। लेकिन जैसे जैसे डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट हुआ, गाड़ी की इफ़िशियंसी, इंजन्स की इफ़िशियंसी बढ़ती गई और फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम होता गया और इससे होने वाला पॉल्यूशन जो है वो भी कम होता गया। और जब ये गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, हर लोगों के पास गाड़ियाँ होने लगी, हर लोग गाड़ी चलाने लगे, तो इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट को व्हीकल से होने वाले पॉल्यूशन के लिए भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़े, जिसे सबसे पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में लागू किया गया। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि व्हीकल्स का जनक, आईसी इंजन का जनक भी यूरोपियन कंट्रीज़ को माना जाता है, जिसमें जर्मनी और इटली नंबर वन पे आता है। उसके बाद अमेरिका में जो है व्हीकल्स के क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया। तो सबसे पहले जो ये व्हीकल से होने वाले पॉल्यूशन के लिए जो रूल रेगुलेशन बनाए गए वो यूरोप में बनाए गए, उसके बाद उसको जो है अमेरिका ने भी अडेप्ट किया। हम लोगों ने जिन रूल रेगुलेशन को फॉलो किया वो था यूरोप का रूल रेगुलेशन, जिसकी वजह से इंडिया में भी उसे यूरोनॉर्म से जाना जाता है। लेकिन अब उसे भरत नॉर्म्स से भी लोग जानते हैं। तो ये यूरोनॉर्म्स में स्टूडेंट्स क्या है? यूरोनॉर्म्स में हम लोग बेसिकली जानते हैं कि गाड़ी से होने वाला जो पॉल्यूशन होते हैं उनमें कौन कौन से गैसेस होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सबसे मेजर क्वांटिटी होती है। उसके अलावा SO, SO2, SO3, NOx, जिसमें NO, NO2, NO3 आता है। उसके बाद कुछ पार्टिकुलर मैटर्स आते हैं। ये सब जो है व्हीकल जब हमारा चलता है तो इंजन से जो एग्जॉस्ट के रूप में धुआं निकलता है उसमें ये सब गैसेस होते हैं, जिसे कम करने के लिए इंजन को अच्छे से अच्छा डिज़ाइन किया जाता है। साथ ही साथ इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस को भी लगाया जाता है। इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस कौन से हैं? तो कैटालिटिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र, जिसकी मदद से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से गैसेस निकल रहे हैं, पॉजिटिव क्रैंकेस वेंटिलेशन, चारकोल कैनिस्टर, ये सब जो है कुछ डिवाइसेस हैं जिससे एग्जॉस्ट गैसेस को जो है रिड्यूस किया जा सकता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जो यूरोनॉर्म्स लागू किए गए वो किस किस साल लागू किए गए और उसके रूल एंड रेगुलेशन जो थे वो क्या थे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाया है मैंने, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं ये है CO मींस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये है HC हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है स्टूडेंट?
तो जो ये फ्यूल होता है डीजल चाहे पेट्रोल, जब ये वेपराइज होके या फिर पूरी तरह से कम्बशन प्रोसेस ना हो करके अगर एबनॉर्मल कम्बशन होता है इंजन के अंदर, तो बहुत सारा पेट्रोल या डीजल वेपर के रूप में एग्जॉस्ट से निकल जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बाद NO, उसके बाद PM। PM क्या है? तो ये पार्टिकुलर मैटर्स है, ठीक है, कुछ कण, डस्ट कह सकते हैं जिसे, ओके। तो इन तीन चार चीज़ों को जो है रखा गया है यूरो नॉर्म्स में रेगुलेट करने के लिए, इन सभी को रेगुलेट किया जाता है, ओके। तो इसमें हम लोगों ने फिर एक सब डिवीज़न किया है जिसमें पेट्रोल और डीजल, इन दोनों के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं। पेट्रोल के लिए अलग नॉर्म्स हैं, डीजल के लिए अलग नॉर्म्स हैं। यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि पेट्रोल से होने वाला जो इमिशन है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली, अगर हम लोग इसका कंपेरिजन करते हैं डीजल से, तो पेट्रोल में ज़्यादा इमिशन होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। समय के साथ इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम लोग पूरी चार्ट को एनालाइज करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि पेट्रोल इंजन में ज़्यादा इमिशन होता है। हाइड्रोकार्बन और NO के केस में भी सेम टू सेम हम लोग देख पा रहे हैं। और जो फर्स्ट यूरो नॉर्म्स था जिसे 1996 में लागू किया गया, इसे यूरो वन नहीं कहा गया, आगे जाके जब 2000 में ये नॉर्म्स दोबारा से लागू हुए तो इसे यूरो वन कहा गया, पहले इसे 1996 यूरो 1996 के नाम से जाना जाता था। तो उसमें जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं, डस्ट जो हैं, कण जो हैं, उनको कंसिडर नहीं किया गया, तो उसे जो है मैंने नील छोड़ दिया है इस चार्ट में। उसके बाद जो सेकंड यूरो नॉर्म्स लागू हुआ, जब इंजन और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया उनका डिज़ाइन, गाड़ियों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई, तो इसे और ज़्यादा रेगुलेट करने की ज़रूरत थी, इस नॉर्म्स को और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत थी। तो फिर से एक यूरो वन करके 1 अप्रैल 2000 में जो है यूरो नॉर्म्स लागू किया गया, जिसके तहत, अच्छा स्टूडेंट, ये जो हम लोग 8.68 टू 12.40 देख रहे हैं, ये ग्राम पर किलोमीटर में है, मतलब एक किलोमीटर चलने पर इतना ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पेट्रोल इंजन रिलीज कर रहा है या कर सकता है, तो उसे जो है पॉल्यूशन की कैटेगरी में, जो है ओवर पॉल्यूशन की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। मतलब ये गाड़ी जो है इसे अलाउ किया जा सकता है रोड पे चलने के लिए अकॉर्डिंग टू 1996, ओके। लेकिन जब यूरो वन लागू किया गया 2000 में, 1 अप्रैल 2000 में, तो इसको घटा करके 3.16 कर दिया गया। मतलब अगर 3.16 ग्राम पर किलोमीटर से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड कोई गाड़ी पैदा कर रही है रनिंग कंडीशन में, जब वो रोड पर चल रही है, तो उस गाड़ी को जो है डिसमेंटल करने की ज़रूरत है, उसे रोड पे चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और डीजल के केस में भी 3.16 ही है यूरो वन में। उसके बाद हाइड्रोकार्बन और NO जो है वो 1.13 ग्राम पर किलोमीटर, डीजल के केस में भी सेम टू सेम। पार्टिकुलर मैटर डस्ट जो है उसे कंसिडर किया गया है 0.18 ग्राम। जैसे कि ये डस्ट क्या है, कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं ना, या सल्फर पार्टिकल्स, कंबशन के दौरान जो है एक लेयर सा बन जाता है हमारे साइलेंसर के अंदर और साथ ही साथ कंबशन चेंबर के वॉल पे, वो जो है डस्ट के रूप में बाहर आता है, तो वो जो है 0.18 कंसिडर किया गया है डीजल के केस में, ठीक है। फिर यूरो टू जो कि 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, इसमें और ज़्यादा रेगुलेट किया गया, इंजन और ज़्यादा डेवलप हो गए। इस समय जो है पहले 2-स्ट्रोक इंजन थे, अब 4-स्ट्रोक इंजन आ गए। 4-स्ट्रोक इंजन ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं, उसमें कंबशन प्रोसेस जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, कंप्लीट कंबशन होता है,
अब नॉर्मल कम्बशन की चांसेस बहुत कम है, डेटोनेशन नॉकिंग भी कम होती है, तो जिसकी वजह से इसे और ज़्यादा घटा दिया गया और ये 2.20 ग्राम पर किलोमीटर पेट्रोल इंजन के लिए और डीजल इंजन के लिए 1 ग्राम पर किलोमीटर कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है रखा गया। अगर इससे ज़्यादा कोई गाड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको उत्सर्जित करती है, इमिशन करती है, तो उसे जो है चलने की अनुमति रोड पे नहीं दी जा सकती है। और हाइड्रोकार्बन और एनओ के लिए जो है इसे क्या कर दिया गया, 0.50 एंड डीजल के केस में कुछ ज़्यादा है, 0.70 to 0.90, डीजल के केस में 0.080 to 0.10। उसके बाद यूरो 4 को लागू किया गया 2017 में, 1 अप्रैल 2017 में, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन जो है वो लगभग नील माना गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इमिशन उसका होगा ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली ये जो है बिल्कुल नील नहीं है, इसको PPM में कंसिडर किया जाने लगा। PPM जो है वो बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स में जो है वो माना जाता है, जिस वजह से यहाँ पे इसे नील दिखाया गया है इस चार्ट में। डीजल के लिए भी नील था। उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन और NO जो है वो ग्राम पर किलोमीटर से मिलीग्राम पर किलोमीटर में आ गया। डीजल इंजन में फिर से ज़्यादा है कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, 250 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और PM पार्टिकुलर मैटर्स 25 मिलीग्राम पर किलोमीटर। फिर हमारा यूरो 6 या भारत 6 जो कि अभी चल रहा है, अभी लागू है, ये 2020 में, 1 अप्रैल 2020 में लागू किया गया। इसमें स्टूडेंट्स गाड़ियों में माइक्रो प्रोसेसर्स एंड सेंसर्स लगे हैं, जिससे कि गाड़ी की इफ़िशियंसी या हम कह सकते हैं इंजन की इफ़िशियंसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। ये सेंसर्स क्या करते हैं, गाड़ी की कंडीशन को हर समय एनालाइज करके माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल्स भेजते रहते हैं, जिससे माइक्रो प्रोसेसर गाड़ी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं या डिफरेंट सिस्टम्स हैं उनको कमांड दे करके उनसे अप्रोप्रिएट काम लेता है, जिससे गाड़ी की इफ़िशियंसी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। वो ठीक इस तरह से काम करता है जिस तरह से ह्यूमंस में नर्वस सिस्टम काम करता है। सेंसर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, तो व्हीकल स्पीड सेंसर्स होते हैं, हीट सेंसर्स होते हैं, ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं, थ्रोटल पोजिशनिंग सेंसर होते हैं, कैमशाफ्ट पोजिशनिंग सेंसर होते हैं, क्रैंक शाफ्ट पोजिशनिंग सेंसर्स होते हैं, तो ढेर सारे सेंसर्स होते हैं जो कि एक व्हीकल्स में भरत नॉर्म्स या भरत 6 नॉर्म्स में जो है, भरत नॉर्म्स 6 में जो है यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई है। लेकिन इन गाड़ियों की इफ़िशियंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है स्टूडेंट्स, साथ ही इससे होने वाला पॉल्यूशन जो है वो भी ना के बराबर है। हम लोग देख पा रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को बिल्कुल ही नेग्लेजिबल माना गया है। उसके अलावा 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर हाइड्रोकार्बन और NO पेट्रोल इंजन के लिए, डीजल इंजन के लिए 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और पेट्रोल के लिए पार्टिकुलर मैटर्स जो है 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर, और डीजल इंजन के लिए भी 4.5 मिलीग्राम पर किलोमीटर पार्टिकुलर मैटर जो है उसका उत्सर्जन होगा। अगर इससे ज़्यादा होता है तो हम लोग इस गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे रोड पर चलने के लिए, NOC इसको नहीं मिलेगी। ओके, तो स्टूडेंट्स यही था हमारा यूरो नॉर्म्स, जिसे इंडिया में भरत नॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, यूरो नॉर्म्स के नाम से भी हमें इसे इंडिया में यूज़ करते हैं या जानते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में कुछ और जानकारी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।